रेमल तूफान को लेकर कई राज्यों में अलर्ट जारी हुआ है। पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ की 14 टीमें इस वक्त तैनात हैं। तूफान से निपटने के लिए 15,000 लोगों को तैनात किया गया है। कई लोगों को इवैक्यूएट करके सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। हुआ तब सारी जगह जिधर भी आग जा रहा है वो सिर्फ इसके तूफान की वजह से जो तचनची हुई है उसके ही आप प्रमाण देते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे जो पीछे है ये है एक नदी का बांध, जो बांध किसी भी वक्त टूट सकता है, क्योंकि ये बांध की एक तरफ अभी टूट चुका है और आप देख सकते हैं कि पानी का जो लेवल है वो बढ़ते बढ़ते अभी वो बांध को ओवरफ्लो कर अंदर में आ रहा है। और यहाँ पर जो तेज हवा चल रही है, यहाँ पर खड़ा रहना मुश्किल हो रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, इस तूफान की वजह से इस इलाके में, मैं जिस इलाके में हूँ यह है फ्रेजरगंज की इलाका, यहाँ पर बहुत सारी जगह पे जो घर का जो छाव है वो उड़ चुका है। ये जो है मेरा बाईं तरफ, ये है नदी का बांध, जो बांध किसी भी वक्त टूट सकता है क्योंकि इतनी तेज हवा चल रही है, ये बांध इसको ज्यादातर झेल नहीं पाएगी ज्यादा समय तक। तो हालात इस वक्त मुश्किल है और सबसे ज्यादा असर पश्चिम बंगाल में देखने को मिला है। रेमल तूफान की वजह से बंगाल में भारी नुकसान भी हुआ है। TV9 संवाददाता की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रेमल साइक्लोन की वजह से बंगाल में बहुत सारा जगह नुकसान हुआ है। हम यहाँ पर खड़ा हुआ है वो है बलीगंज प्लेस, और ये बलीगंज प्लेस में एक पेड़ उखड़ गया है। एक बड़ा सा पेड़, वो जो 40 साल का था एक पेड़, वो पेड़ उखड़ के सामने वाले एक स्कूल में उखड़ गया है। और हम जो देखा रहा है वो स्कूल के सामने वाले जो अंश है वहाँ पर बहुत सारे जगह पर वो नुकसान हुआ है। यानी कि जो लाइट पोस्ट है वो लाइट पोस्ट भी तोड़ गया है, और जो यहाँ पर जो बहुत सारे केबल है वो केबल भी तोड़ गया है। उस घर में जो रहते हैं, हम उनसे एक बार बात करेंगे क्या हुआ है। रात को ये पेड़ गिर गया, ये 50-60 साल का पेड़ है। हम लोग यहाँ हम आए रहने से ये पेड़ को हम देखे हैं, तो रात को अराउंड 2 o'clock ये पेड़ गिरा। बट मेरा दीवार सारे टूट गया है,